रीवा मध्य प्रदेश में एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी और सामाजिक कार्यकर्ताओं अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम कमिश्नर रीवा संभाग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरटीआई कानून को प्रभावित करने वाले प्रावधान हटाए जाने की मांग की गई है। प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे में सूचना के अधिकार कानून पर दुष्प्रभाव रखने वाले प्रावधान को हटाए जाने को लेकर देश के विभिन्न कोनों में सरकार के विरुद्ध आंदोलन तेज हो गया है। रीवा संभाग मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम पर कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी को ज्ञापन सौंपा गया है और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के साथ अधिवक्ता पूर्व जनपद उपाध्यक्ष संजय पांडे, सोशल एक्टिविस्ट अनिल उपकारी, पीयूष पांडे अधिवक्ता, वृंदावन शुक्ला और संदीप तिवारी, शिवेन पांडे आदि उपस्थित रहे। ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं में से ऐसे प्रावधानों को हटाए जाने की मांग की गई है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर पर्दा डालकर सूचना का अधिकार कानून कमजोर किया जा रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के वर्तमान मसौदे में धारा 2, धारा 29 और धारा 30 में जो प्रावधान रखे गए हैं, उससे आरटीआई कानून पर खतरा है। प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 की धारा 2 की उपधारा 12, 13 एवं 14 में पर्सनल डाटा की जो परिभाषा बताई गई है, उसमें न केवल व्यक्ति की जानकारी बल्कि पूरे राज्य, कंपनी अथवा किसी संस्था की भी जानकारी सम्मिलित है। जबकि धारा 29 में डाटा प्रोटेक्शन बिल को अब तक के बनाए गए समस्त कानूनों में सर्वोपरि बताया गया है। इसी प्रकार धारा 30 में आरटीआई कानून की धारा 8 पूरी तरह से हटा दिया गया है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में आम जनमानस को निजता, व्यक्तिगत प्राइवेसी के नाम पर लोकहितकर और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार संबंधी कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। ज्ञापन सौंपने वाले लोगों के द्वारा बताया गया कि यदि प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल अपने वर्तमान स्वरूप में लागू हो जाएगा तो अब तक जो जानकारी संसद और विधायिका को प्रदान की जाती थी, वह जानकारी आम नागरिकों को भी प्राप्त करने का हक आरटीआई के तहत था। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन बिल यदि अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है तो अब कोई भी जानकारी आम नागरिक को नहीं मिलेगी, क्योंकि धारा 8 का प्रावधान ही पूरी तरह से हटाया जा रहा है। इससे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण होगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार के नाम पर एक ज्ञापन पत्र लेकर के कमिश्नर महोदय के समक्ष आए थे रीवा संभाग, और हमने ये ज्ञापन दिया है। वास्तव में मामला है, प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2022 का वर्तमान जो मसौदा तैयार करके सरकार ने आम जनता से फीडबैक मंगवाया है, इसमें उन्होंने आरटीआई कानून को संशोधित करने का प्रयास किया है। और प्रयास ही नहीं, यदि ये डाटा प्रोटेक्शन बिल, यदि इसको हम शॉर्ट में कहें, यदि ये लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर आरटीआई कानून पर बहुत दुष्प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, इसमें धारा 2, 12, 2, 13 और 2, 14, इनमें जो पर्सनल डेटा की इन्होंने परिभाषा बताई है, उसमें कोई भी राज्य सरकार, स्टेट, केंद्र, कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी, संस्था, व्यक्ति, ये सारी चीज़ उनकी पर्सनल डेटा की परिभाषा में आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये यदि पर्सनल डेटा की परिभाषा में आ गई और यदि इनका 32 जो धारा 32 है वो लागू हो जाता है, जिसमें इन्होंने 81J जो आरटीआई एक्ट है उसका प्रावधान पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें 81J में होता ये था कि अभी तक जो जानकारी संसद और विधायिका को मिलती थी वो जानकारी आम जनता भी प्राप्त कर लेती थी, लेकिन अब पर्सनल डेटा, पर्सनल जानकारी के नाम पर ये जानकारियाँ आम जनता को हासिल नहीं होगी। इससे ये नुकसान होगा, और साथ में 29(2) जो इसकी धारा है डेटा प्रोटेक्शन बिल की, इसमें ये सर्वोपरि प्रभाव रखेगा। तो यदि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्तावित मसौदा यदि पारित हो जाता है, सर्वोपरि प्रभाव रखेगा, तो अभी तक जो भी कानून अभी तक बने हैं, चाहे वो आरटीआई कानून हो या कोई भी कानून हो, उनके ऊपर ये प्रभावी रहेगा। मतलब वो कानून काम नहीं करेंगे, अब से पास होने के दिनांक से ये कानून सर्वोपरि होगा, मतलब यही कानून काम करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेही है, उस पर एक गहरा आघात लगेगा, और इससे जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ावा होगा उसका मिलेगा, और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण होगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार आज 21वीं शताब्दी में एक स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाए, जवाबदेही बढ़ाए, ना कि उसमें पर्दा डाले। इस बाबत आज हमने दिनांक 14 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कमिश्नर साहब रीवा संभाग को ज्ञापन दिया है, और हमने मांग की है कि इस प्रस्तावित जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसके मसौदे से इस आरटीआई कानून के संशोधन वाले पोर्शन को वापस लिया जाए।